हम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 18 और 19 तारीख को जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी का त्यौहार 18 तारीख की रात्रि 9 बजे से शुरू होकर 19 तारीख की रात्रि 10 बजे तक रहेगा। जन्माष्टमी यह दोनों दिन मनाई जाएगी, तो आप इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। मात्र एक चुटकी हल्दी से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। आपको क्या करना है, 18 तारीख की रात्रि में जन्मोत्सव का जो समय होता है रात्रि 12 बजे के समथिंग, आपको इस उपाय को करना है। आपको श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में या फिर अपने घर के मंदिर में भी आप श्री कृष्ण की प्रतिमा या फिर मूर्ति के समक्ष एक आटे का दीपक आपको तैयार करना है और गोल बाती का घी का दीपक आपको लगाना है। आप उनके समक्ष दीपक लगाएं, पूजा करें और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण करें और ओम नमो वासुदेवाय नमः का 11 बार उच्चारण करें। उसके बाद 19 तारीख के दिन आपको माँ तुलसी में जल के साथ एक चीज़ मिलाकर अर्पित करना है। आप कलश में जल भर लें, उसमें मात्र एक चुटकी आपको हल्दी डालनी है। एक चुटकी हल्दी का आप प्रयोग करें। हल्दी को माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक बताया गया है। कोई भी मांगलिक कार्य में हल्दी के बिना पूजा संपन्न नहीं होती है, इसलिए एक कलश ले लें आप, उसमें जल ले लें और एक चुटकी मात्र आपको उसमें हल्दी का डालना है। और अब इस जल को आपको तुलसी जी को अर्पित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि इस मनोकामना को लेकर आज मैं इस उपाय को कर रहा हूँ, आप इसे पूर्ण करिएगा। बस यह छोटा सा उपाय मात्र आपको करना है। इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण आपकी मदद अवश्य ही करेंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण अवश्य ही करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।